क्या आपका भी कोई भी सिम किसी भी कंपनी का हो तो वो सिम आपका लॉस्ट हो चुका है, यानी खो गया है या गुम हो गया है, तो आप उस सिम को किस तरह ब्लॉक कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो साथियों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सिम को जब आपकी खो जाए तो आपको करना क्या रहेगा, गूगल पर आना है। गूगल पर आपका आपको टाइप करना है my.jio.com, और इसके आपको सिंपली सर्च कर देना है। कोई सी भी सिम हो आपकी ईजिली यहाँ से बंद हो जाएगी, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, VI हो या कोई सी भी हो, ठीक है। तो माई जियो सिम यहाँ पर सर्च करते हैं तो फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको करना क्या रहेगा, सिर्फ माई जियो यहाँ पर सर्च कर लेना है यदि ये दिक्कत आपको भी यहाँ पर मिले, ठीक है। तो मैं माई जियो यहाँ पर सर्च कर लूँगा और यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर फ़िलहाल मुझको फिर से ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ तभी मेरे साथ ही होता है। तो आपको करना माई जियो लॉस्ट, ठीक है। तो माई जियो लॉस्ट सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट मिल जाती है, हम लॉगिन फॉर लॉस्ट जियो सिम सस्पेंड लोकेटेड एंड गेट पुक कोड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा। इंटर योर जियो नंबर, तो जो भी सिम आपकी लॉस्ट हुई है सिंपली उसको आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो चलो मैं अपना यहाँ पर जो सिम लॉस्ट हुआ उसको यहाँ पर लॉगिन करके प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर दोस्त मुझको बोलेगा सेलेक्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या कोई भी जिसके साथ आपने नंबर जुड़वाए थे अल्टरनेटिव नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और सिंपली मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा, जैसे जून जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पर लगा लूँगा, ठीक है। तो चलो मैं आपके सामने में डेट ऑफ बर्थ लगा लिया हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी बता रहा है यू फाइंड अगेंस्ट जियो नंबर यू एंटर, तो अभी कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, तो चलो मैं फिर से यहाँ पर ट्राई करूँगा। तो चलो दोस्त यहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी इससे तो कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है, मैं अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पर लगवा लेता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ मेरा तो कोई अल्टरनेटिव नंबर नहीं है, बस आपको करना क्या रहेगा, या तो अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेना या अपने नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना। आपको एक OTP आएगा, OTP लगाते ही वहाँ पर आपको एक रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, रीजन को सिलेक्ट करके आपको सस्पेंड वाले बटन पर क्लिक कर देना, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मुझको ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल गई है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किसका आधार कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।